नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में अभिषेक बच्चन और उनकी बहन श्वेता नंदा मेहमान बने। दोनों ने शो में एक दूसरे के कई राज खोले। इस दौरान करण जौहर ने श्वेता बच्चन नंदा से ऐश्वर्या राय से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका श्वेता ने बेबाकी से जवाब दिया। रैपिड फायर राउंड के दौरान करण ने श्वेता से बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा। करण ने पूछा कि वो ऐश्वर्या की किस आदत से नफरत करती है और किसे पसंद करती है और किसे टॉलरेट करती है। जवाब में श्वेता बच्चन नंदा ने कहा, ऐश्वर्या एक बेहतरीन माँ है, सेल्फ मेड स्ट्रॉन्ग वुमेन है, मुझे उनकी ये बात सबसे ज्यादा पसंद है, लेकिन वो फोन और मैसेज का जवाब नहीं देती। उनके बारे में ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टॉलरेट करने वाली बात पर श्वेता बच्चन ने कहा कि ऐश्वर्या का टाइम मैनेजमेंट। इतना ही नहीं, श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन को एक सख्त पेरेंट भी कहा। इसी सेगमेंट में करण ने अभिषेक से सवाल पूछा कि वो किससे ज्यादा डरते हैं, अपनी माँ से या ऐश्वर्या से। इस पर अभिषेक ने कहा कि मैं अपनी माँ से ज्यादा डरता हूँ, लेकिन तभी बीच में श्वेता ने कहा कि नहीं, ये अपनी पत्नी से ज्यादा डरते हैं। शो में अभिषेक बच्चन ने लंबे समय तक फिल्मों से दूरी रखने के बारे में भी बताया। अभिषेक ने कहा कि जो कुछ चल रहा था उसका मुझ पर कोई दबाव नहीं था, ये कुछ इस तरह था कि मैं अपने काम को किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ जो मुझे लगा कि गलत था। मैं आत्मसंतुष्टि और असंयम हो रहा था। मैं बड़े फिल्मों और बड़े बजट का हिस्सा था, पर मुझे इस बात का कोई दबाव नहीं था कि मैं किसी के बगल में या पीछे खड़ा रहूं जो सारा प्रेशर झेल रहा हो। मैं बहुत पैसा कमा रहा था और वो फिल्में काफी अच्छा कर रही थी। बहरहाल, करण जौहर के चैट शो में श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या के बारे में बड़ा बयान दिया है। अब देखना ये होगा कि जब ऐश्वर्या राय बच्चन मीडिया से मुखातिब होगी तब वो अपनी नंद श्वेता के इन बयानों पर क्या जवाब देती है। वैसे श्वेता बच्चन ने ऐश्वर्या राय के बारे में बड़ी बातें कही हैं, वो बातें जो फैंस को भी मालूम नहीं थी। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।